फिल्म द केरला स्टोरी रिलीज के बाद से ही देश भर में चर्चा में है। ऐसे में सिरोही में भी फिल्म को लेकर लोगों में जागरूकता नजर आ रही है। भामाशाह नटवर राज पुरोहित ने एक शो पूरा बुक करवाया जिसमें 220 बालिकाओं को फ्री में फिल्म दिखाई गई। आपको बता दें कि फिल्म द केरला स्टोरी रिलीज होने के बाद से ही विवादों में घिरी हुई है। ऐसे में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में ये फिल्म प्रतिबंधित कर दी गई है तो कई राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री भी किया गया है। फिल्म देखने आई बालिकाओं और भामाशाह से एवन न्यूज के विशेष संवाददाता शरद टांक ने की विशेष बातचीत। हकीकत पे बनी हुई है ऐसा उनके डायरेक्टरों का कहना है और जो हम आसपास देखते हैं तो हमें इसमें भी बहुत सा तथ्य नज़र आता है। आप सभी बहनों से अनुरोध है कि इस पिक्चर में जो चीज़ आपको बताई गई है उसे ध्यान से देखें और आपके आसपास ऐसी कोई घटना घटी हो या घटने वाली हो तो उससे आप सतर्क रहें और अपने धर्म के बारे में जो जितनी आस्था है उसको कभी ना छोड़ें। केरला स्टोरी को लेकर पूरे देश में समर्थन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं विरोध भी हो रहा है। आज इस सिरोही जिले में हम खड़े हैं साइना सिनेमा में जहाँ केरला स्टोरी को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ काफ़ी महिलाएं हैं, छात्राएं हैं जो इस फिल्म को देखने के लिए आई है, उनसे बात करना चाहिए। आपको कैसे लगी ये मूवी? हमें बहुत अच्छी लगी ये मूवी, ये हमारे लिए बहुत अच्छी है। हमें इतना चाहिए, बहुत अच्छा चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो इसको मूवी कहना ही गलत होगा क्योंकि ये मूवी नहीं है, ये एक वास्तविक घटना है और इस घटना से हम लोगों को इतनी प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक तो मैं संदेश पेरेंट्स को देना चाहूँगी कि आप लोग बच्चों को अदर किताबी ज्ञान दो कि नहीं दो। किताबी ज्ञान देने के लिए स्कूलें बहुत है लेकिन बच्चा अगर कुछ सीखता है तो वो अपने घर से ही सीखता है। अगर बच्चों को हम लोग पहले से ही अपने धर्म अपनी संस्कृति का ज्ञान दे तो शायद किसी भी बेटे को आगे जाकर इसका शिकार नहीं होना पड़ता। आप क्या मैं मेरी बेटी को ये मैसेज दिखाने लाई थी, मैसेज देना चाहती थी कि ऐसा कुछ हो तो संभल के रहे और ये फिल्म अच्छा मैसेज है उन लोगों के लिए जो ऐसे क्राइम में फंस के बहक जाती है किसी के बातों में आती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा मैसेज है। और ये हमारे पेरेंट्स को बताना चाहिए कि देवी देवताओं को भी भगवान मान के कि भगवान कौन है ये बताना चाहिए उनको कि भगवान कौन है के बारे में बताना चाहिए। आपको इस मूवी में सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा? अच्छा बात तो उस लड़की ने जो आवाज दिखाई है और सब एकजुट हुए ऐसा ही, मतलब अपने लड़कियों को अपन को मजबूती देनी चाहिए क्या ऐसा बता घर से शुरू करना घर से शुरू करनी चाहिए किसी भी बात को बताने के लिए कि बाहर कैसा है कैसा हो रहा है अपना। ये तो चलो नाम मुस्लिम है लेकिन कुछ कुछ आजकल ऐसे हैं कि मुस्लिम लड़के हिंदू नाम रख के भी लड़कियों को फंसा रहे हैं तो उस तरह से जागरूक होना चाहिए और हर पेरेंट्स को बेटी के जिसके बेटियाँ हैं उनको तो ये बेटियों को भी जागरूक होना चाहिए। पेरेंट्स की बात मैं अपनी बेटी को मैसेज देने आई थी कि आप देखें और सतर्क रहें। आपको कैसी लगी मूवी? हमें हमारा हिंदुत्व धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, जो भी हो हमें इस्लाम मुस्लिम ये बनने की जरूरत नहीं है, हिंदू ही हमारा धर्म है और उसे ही हमें अपनाना चाहिए। लोग हमें कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बनने को कह सकते हैं पर हमें हिंदू ही रहना चाहिए, हमारे हिंदुत्व को हमें ही जागरूक करना होगा। बहुत अच्छी है, हम अगर बाहर पढ़ने भी जाए तो हमें अपने घर वालों के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और घर वालों के पास ना कि बाहर वालों को। जिन समिति के सदस्यों से बात करेंगे हेमंतपुरी से, आपका क्या प्रयोजन था इस मीटिंग को लेकर? ये प्रयोजन ये था कि जो हमारे हिंदू समाज की बेटियां हैं उनके साथ में विधर्मियों के द्वारा जो उनको धोखा दिया जाता है, हमने भामाशाह हमारे नटवर जी राजपुरी से इस विषय में बात की, उन्होंने तुरंत कहा कि हिंदू समाज में एक जागृति होनी चाहिए ताकि हमारी बेटियाँ सुरक्षित रहे। लव जिया जैसा जो आतंकवाद चल रहा है उस आतंकवाद के खिलाफ में ये मूवी नहीं है, ये वास्तविक स्टोरी है और ये वास्तविकता हमने हमारे हिंदू समाज की बेटियों के सामने रखी है। तो आप देख सकते हैं कि आयोजन समिति भी उत्साहित है और आज का जो शो फ्री किया मंगलवार को भी इन्होंने एक पूरे सिनेमा मालिक के साथ शो को फ्री रखा है। हम उन सिनेमा मालिक से भी बात करेंगे। मूवी को लेकर आपके पास काफ़ी बुकिंग्स आ रही है, क्या रुझान है? ये फर्स्ट वीक तो मैंने काफ़ी महंगी फिल्म दे रहा था, मैंने नहीं ली थी, पर सेकेंड वीक लोगों की डिमांड पे ये कुछ कहा तो मैंने इस वीक लगाई फिल्म, तो करीब 7 लोग हो चुके हैं जो भी कोई एनजीओ द्वारा है तो उन्होंने का कहना ही था कि कुछ रेट कम्प्लीज है तो मैंने इसको कुछ कंसेशन कर दिया। तो कुल मिला के इस मूवी को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और बालिकाओं में जन जागृति लाने के लेकर आयोजन समिति इस शो को फ्री किया है। शरद टाक एवन न्यूज़।